नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं ग्रेट इंडिया न्यूज, ऋषभ जायसवाल के साथ। आज हम बात करेंगे बिहार की कुछ तमाम खबरें के बारे में। बिहार की सांसद की सेफ लैंडिंग, 147 ऑक्सीजन कंस्ट्रक्शन लेकर पटना एयरफोर्स का प्लान। सरकारी कोविड अस्पतालों में लगेंगे सभी ऑक्सीजन की किल्लत से थोड़ी राहत। विशेष विमान से आई खुशियां। कोरोना की दूसरी लहर में बचे कोहराम के बीच बिहार के लोगों के लिए राहत भरी खबर आई। मंगलवार सुबह 147 ऑक्सीजन कंस्ट्रक्शन पटना एयरपोर्ट पहुंचे। इसे एयरफोर्स की स्पेशल एयरक्राफ्ट से दिल्ली से पटना लाया गया। पटना एयरपोर्ट और प्लांट के पहुंचते ही सावधानी के साथ साथ एक एक करके सारे नए सिलेंडर कंस्ट्रक्शन से उतारा गया। फिर उन्हें बिहार सरकार द्वारा बताया गया जगह पर भेज अलग अलग गाड़ियों पर लोड कर पहुंचा दिया गया। जल्द ही सभी कंस्ट्रक्शन को बीएटा स्थित ईएसआईसी हॉस्पिटल, आईजीएमएस, पीएमसीएच और एनएमसीएच के साथ ही दूसरे सरकारी कोविड अस्पतालों में लगाया जाएगा। कालाबाजारी के चुंगल के से बच सकेंगे पीड़ित। कंस्ट्रक्टर के आने से ऑक्सीजन की कमी काफी हद तक दूर हो पाएगी। कोरोना पीड़ित और उनके परिवार कालाबाजारी के चुंगल से बच सकेंगे। पटना समेत पूरे राज्य में कोरोना पीड़ित की संख्या काफी अधिक है। इसमें बहुत सारे से मरीज जिनका ऑक्सीजन लेवल घट जा रहा है, उन्हें बेहतर इलाज के साथ ही ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। यही वजह है कि बिहार में ऑक्सीजन की डिमांड काफी बढ़ गई है। इसका फायदा प्राइवेट हॉस्पिटल से लेकर कालाबाजारी करने वाले तक लोग जमकर उठा रहे हैं। दो दिनों में ईओसी की ताबड़तोड़ कार्रवाई। कालाबाजारी द्वारा इस स्थिति का फायदा उठाने का ठोस सबूत पिछले दो दिनों में ईओसी की तरफ से कई गई ताबड़तोड़ कार्रवाई है। इस कार्रवाई ने 1 लाख से भी अधिक दाम पर ऑक्सीजन गैस बेचने वाले 7 हर्षों को पकड़ा। इससे पहले रेडिसिविर की कालाबाजारी करने वाले 3 लोग पकड़े गए। दूसरी तरफ राज्य सरकार बार बार दावा कर रही है कि ऑक्सीजन की किल्लत बिहार में नहीं होगी। उनके अधिकार इस प्रयास में लगातार लगे हुए हैं कि दो दिनों की एयरफोर्स की स्पेशल एयरक्राफ्ट से काफ़ी संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर दिल्ली से पटना लाया गए थे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर हमारे नए अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक आप हमारे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।